This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, once again welcome back to our channel Finvest. उम्मीद है आप सभी का दिन अच्छा जा रहा होगा. नहीं जा रहा होगा तो आप इस वीडियो को देख लीजिए. आपका दिन अच्छा चल जाएगा. तो 29 दिसंबर के लिए जो हमने आपके लिए लेवल्स प्रोवाइड किए थे देखिए. एम का जो लेवल था वो गलत हो गया था इसलिए उसके मैंने कुछ नहीं लिखा है डेटा क्योंकि वो जो लेवल था वो वथूत फाइनेंस का था बट उसमें गलती से मैंने एम लिख दिया था तो वो चीज़ मैंने डिस्प्ले नहीं की है बाकी बात करूँ ए में हमारा बाई साइट का एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया एस डी लाइफ में हमारा शॉर्ट सेलिंग साइट का एक और एस बी लाइफ में हमारा शॉर्ट सेलिंग साइट का एक टारगेट प्राइस अचीव हो पाया मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये दोनों स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किए थे जिसमें से कि दोनों ने एक एक टारगेट अपना अचीव किया ज़्यादा मूवमेंट यह नहीं दे पाया एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये फ्लैट मार्केट पे ही काम किया है ये पहले गैप ऑफ ओपन होने के बाद इसने अपना गैप रिफिल किया उसके बाद इसने अपना शॉर्ट सेलिंग सेट का सिर्फ एक ही टारगेट प्राइस अचीव कर पाया कोई बात नहीं है साहब कभी कभार ऐसा होता है इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल देता हूँ अगर आपको पता होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि पहला टारगेट प्राइस मैं हमेशा स्मॉल देता हूँ ताकि अगर आप स्टॉक आपका जो स्टॉक है वो मूवमेंट नहीं दे पा रहा है तो भी आपको एक ना एक कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल देता हूँ तो यही आज की कहानी रही हमारी ए में भी हमारा एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया साइड का एसडीएफसी लाइफ और एस लाइफ में भी टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग में दो कॉल्स में प्रोवाइड करता हूँ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए मॉर्निंग में दो कॉल्स वहीं पे प्रोवाइड होगी अभी यूट्यूब में आपको दो कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ तो बात कर लेते हैं थर्टी दिसंबर टू की कॉल्स की तो पहला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है लिड इंडिया तो लिन इंडिया में आप इसे बाई करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा 966 का यानी कि 966.10 जब हो जाएगा तब आप इस स्टॉक को बाई कर लेंगे स्टॉप लॉस रहेगा 959 का टारगेट रहेगा आपका 979, 978 और 986 का शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल है आपका ये रहेगा 956 का यानी कि 955.90 पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 964 का टारगेट रहेगा 959, 944 और 936 का ध्यान रखेंगे पहला टारगेट प्राइस मैं हमेशा स्मॉल देता हूँ अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए जैसा कि आज वह स्टॉक मूवमेंट नहीं दे पाया तो भी आपका एक टारगेट प्राइस अचीव हो इसलिए पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल देता हूँ अगर आप आज की प्रीवियस वीडियो में चेक करेंगे लेवल्स के हिसाब से जो कॉल थी आज के जो ये स्टॉक्स थे जो मैंने आपको दिखाया ये गैप ओपन होने के बाद इन्होंने देखिए पहले इसने गैप रिफिल किया फिर ये नीचे आया उसके बाद एक ही टारगेट प्राइस अचीव किया फ्लैट मार्केट की तरफ ये बढ़ गया तो इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल देता हूँ ये रीजन क्लियर रखिएगा दूसरा है हमारा पी वी आर पी वी आर आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा थर्टीन जीरो फाइव का इस स्टॉक के लेवल बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा डिस्प्ले में भी आपको दिख रहा होगा अगर आपको 500 की रेंज में स्टॉक्स चाहिए या तो उससे कम या फिर उससे ज़्यादा जैसे टाइप के आपके स्टॉक्स चाहिए आप हमें बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाकी की डिटेल्स हम व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मॉर्निंग में इनसे मैं अलग कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ जो बिलो फाइव भी होती है रेंज फाइव की रेंज में होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए बाजार आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा थर्टीन हंड्रेड एंड फाइव का स्टॉप लॉस रहेगा आपका ट्वेल्व हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव का टारगेट रहेगा आपका थर्टीन हंड्रेड एंड टेन थर्टीन हंड्रेड एंड एटीन और थर्टीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स का यानी कि ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन पॉइंट का आपका वो टोटल टारगेट रहेगा आप इसमें क्या करेंगे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करेंगे जब पहला टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद जब दूसरे टारगेट प्राइस के करीब पहुंचने वाला होगा या फिर बढ़ रहा होगा दूसरे टारगेट प्राइस के करीब तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रायल करेंगे ट्रायल यानि कि अपना जो स्टॉप लॉस है उसे बढ़ा देंगे जो ट्वेल्व तो तो नाइन्टी फाइव का था अब उसे आप थर्टीन हंड्रेड फाइव कर सकते हैं थर्टीन हंड्रेड टेन कर सकते हैं थर्टीन हंड्रेड थर्टीन कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी मार्केट कंडीशन तो तभी मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि स्टॉपलॉस को ट्रायल करना चाहिए ट्रायल करने से क्या होता है अगर जो आपने अमाउंट अर्न कर लिया है वो आपसे डिटेक्ट नहीं होगा तो ट्रायल करना बहुत जरूरी है शॉर्ट सेलिंग का कर... तो आप इसे पी को आप शॉर्ट सेल करके चलेंगे 1293 पे यानी कि ट्वेल्व पॉइंट वन सॉरी नाइन जीरो जब हो जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे स्टॉप लॉस रहेगा 1303 का ध्यान रखेंगे जब तक लेवल ब्रेकआउट नहीं होता बाइंग और शॉर्ट सेलिंग का तब तक आप इसे बाई शॉर्ट सेल नहीं करेंगे एग्जैक्ट इस वैल्यू पर बाई नहीं करना है एक्जैक्ट इस वैल्यू पर शॉर्ट सेल नहीं करना है तो इससे जब नीचे आने लगी वैल्यू तब अपना शॉर्ट सेलिंग करेंगे इससे ऊपर जाने लगे हुए कुछ पॉइंट यानी कि थर्टीन हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट वन जीरो और इसमें थर्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू पॉइंट नाइन जीरो जब हो जाएगी तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे लॉस रहेगा थर्टीन हंड्रेड थ्री का टारगेट रहेगा ट्वेल्व हंड्रेड एटी एट का ट्वेल्व हंड्रेड एट्टी और ट्वेल्व हंड्रेड सेवेंटी टू का ध्यान रखेंगे पहला टारगेट प्राइस स्मॉल क्यों रहेगा अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए तो भी आप अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट अन करके ट्रेड से बाहर निकले बाकी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन दिस्क्रि में लिंक मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बाकी की दो बच्ची भी कॉल्स में मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ